लोकेलिटी में योगेश गुप्ता बोल के बिजनेसमैन है, वो मेडिकल होलसेल मेडिकल डीलर है, उन्होंने जाति मकान है उनका, बड़े बिजनेसमैन है मेडिकल फील्ड में, उन्होंने मिट्टी का शहर में रहते हैं, उनके पास उनके पेरेंट्स रहते, बच्चे रहते, अम्मा रहते, बीवी रहते, पूरे घर में रहते। एक जगदेवी बोल के मेड सर्वेंट है जो बालकी के रहने वाली है, नेटिव प्रेस की है, हैदराबाद में सेटल हो के उसके 15 साल हो गया शादी होने के बाद, उसको मरज से यही काम करती, यही घर में मेड सर्वेंट के हिसाब से 1 साल से काम कर रही। वो पूरा खाना पीना पूरा देखते, महीने को उसको 6,000 रुपये भी देते, एक घर में अच्छा देख लेते उसको। 1 साल में काम कर रही तो पूरा घर का पूरा नक्शा पूरा उनको मालूम है, कीज भी छोड़ के जाते घर में योगेश मियाँ, और इम्पोर्टेंट अलमारीज के भी सेफ लॉकर्स के भी कुंजियाँ वहीं रहते हैं। तो ये इनको ये जगदेवी को पूरी मालूम है। तो परसों शाम में सैटरडे के दिन शाम में 3 बजे योगेश बाहर गया था बिजनेस पर, उनकी अम्मा बीवी टेम्पल के लिए वो लोग 3 बजे बाहर निकल गए, उन्हें खाना ना बना दिए, इन्होंने खाना भी बना दी जगदेवी, खाना ना बना दे के उन्होंने टेम्पल से आए तक इन्होंने बगर लॉक करके बाहर से कुंडी लगा के चले गए। उनको डाउट नहीं आया, उनको ड्यूटी में खाना ना खा लिए चाहिए। रात के 12-1 बजे के बाद उनको कुछ काम से निकले तो अलमारी ओपन दिखी, उनको डाउट आया, डाउट आके योगेश हाउस ओनर भी उठ के देखे तो उसमें वैल्यूएबल जामी लगाए थे, इंपॉर्टेंट डायमंड कास्टली डायमंड्स के और गोल्ड रिंग्स पूरे थे, वो पूरे गायब हो गए, पूरे शॉक हो गए। फिर घर में पूछे तो नहीं मालूम, कोई नहीं निकाले बोले। तो फिर जो मेड सर्वेंट है जगदेवी वो शाम से नहीं आई, लापता थी उन्होंने। फिर 5 बजे चारनार पुलिस ने आके कंप्लेंट करे, साफ साफ वैल्यूएबल है, तकरीबन कैश गया और एक 12-12.5 लाख रुपये का गोल्ड और डायमंड्स है उसमें, इंपॉर्टेंट बोल के कंप्लेंट करते, इमीडिएट FIR रजिस्टर कर दिए यादगिरी साहब, और एक टीम फॉर्म कर दिए एडिशनल इंस्पेक्टर क्राइम चंद्रशेखर के लिए। तो इमीडिएटली हमको सस्पेक्ट हुए, FIR में लिखे जगदेवी लापता है, तो डाउट उसके ऊपर ही डाउट था।